हाय फ्रेंड्स, मैं प्रीति। आज हम देखने जा रहे हैं अश्वगंधा के बेनिफिट्स के बारे में। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एंटरटेनमेंट चैनल पे ये हेल्थ के बारे में डिस्कशन कुछ डिफरेंट है ना? राइट, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एंटरटेन करते करते साथ में एक्टिंग करते करते हमारे एक्टर्स भी कभी ना कभी डॉक्टर का तो करते ही है ना। तो हम देखते हैं अश्वगंधा के बेनिफिट्स के बारे में। चलो तो देखते हैं। रूट्स और लीव्स का यूज कैसे किया जाता है? लीव्स का यूज एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी एनर्जेसिक के लिए किया जाता है और साथ ही में कफ, कोल्ड एंड कॉमन फीवर जैसे कि हल्का फुल्का फीवर रिड्यूस करने में हेल्प करता है। द सेकेंड वन इज अश्वगंधा के रूट का यूज एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंड्रोजेनिक, एंटी ट्यूमर, रसायन एंड वाजीकरण के लिए भी किया जाता है। सो चलिए दोस्तों, अश्वगंधा के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव और आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसको कैंसर या ट्यूमर में हेल्पफुल माना गया है, जैसे कि लंग कैंसर, कोलन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। द अश्वगंधा स्नेक्स यूज इज वह स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी रिड्यूस करने में हेल्प करता है और साथ ही में मेल्स में टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है। और आप देख रहे होंगे आजकल यंगस्टर्स में मसल्स बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत ही भागदौड़ मच रहती है, तो अश्वगंधा बहुत ही बेनिफिशियल है आपको मसल्स बिल्डिंग बनाने के लिए। बट वन थिंग आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये जो भी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए ताकि उसके अच्छे से अच्छे बेनिफिट्स आपको मिले। और आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और मेडिसिन आपको यूज करनी चाहिए तो साथ ही में हमारे पास में कुछ अश्वगंधा की कुछ और मेडिसिन है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय दोस्तों।